तो हम लोग जाके डीलर से पूछे कि नहीं ऊपर से इतना काट के आया है, कितना कटा है, बोला कोई 4 क्विंटल। तो हम लोग इकट्ठा हो गए आदमी, उसके बाद पूछे तो बोल रहा है कि नहीं 9 क्विंटल कटा है। तो रुकिए, हम लोग जाँच पड़ताल कर लेंगे। हम लोग उसको बोले कि तुम भी, हम ही लोग का गाँव का आदमी है, हम ही लोग का माँ बहन है, हम लोग को सुझाव कहे नहीं दिए, जितना कटा है उतना माइनस करना है। हम लोग काटा है तो हम लोग दे देंगे उसमें चावल हिसाब से, जब यदि 4 क्विंटल काटा है तो हम लोग से काटिए और 4 क्विंटल आपको नहीं दिया तो हम लोग दे देंगे, इसमें हम सुनाई नहीं करेंगे, वो बोला डीलर। और गया हम लोग के साथ, तो पूरा ग्रामीण को बोले कि आज नहीं बटना है, नहीं बटना है। मेरा राशन जैसे 2 यूनिट का मिलता है 10 किलो, तो आज राशन उठाने के लिए गए तो हमको 2-2 किलो करके 4 किलो राशन वितरण कर रहा था, जिस कारण हम वहाँ से राशन उठा के नहीं आए, वापस खाली हाथ लौट के आ गए और डीलर को पूछे कि मेरा राशन इतना कट के क्यों दे रहा है। तो राशन डीलर वाला बोला कि राशन ऊपर से ही मेरा कटा हुआ सबका आ रहा है, पूरा पंचायत में पूरा झारखंड में सबका काट के आ रहा है, ऊपर से ही काट के आ रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही काट के दे रहे हैं, ऐसा डीलर का कहना है। देखिए, अभी कम राशन मिलने का शिकायत सिर्फ जिला ही नहीं बल्कि स्टेट स्तर पर सब जगह से ही आ रहा है। इसमें एक्चुअली जो है डीलर का गलतफहमी है। इस सितंबर से दिसंबर 2022 का PMJKY का राशन लोगों के द्वारा जो बांटा गया था, उसमें जो लोग को बैलेंस बच गया डीलर को, जो बांट नहीं पाए, वही राशन कटा है जो डीलर के पास वो अवेलेबल होना चाहिए। तो उनको अपने पास जो गोदाम में अवेलेबल राशन है उससे मिला करके पब्लिक को देना है, लेकिन कहीं कहीं ये शिकायत आ रही है, ये डीलर की बदमाशी है। जहाँ से शिकायत आ रहा है उसको हम लोग जाँच, हम स्वयं भी और BSO से जाँच करवा रहे हैं, जहाँ दोषी पाए जा रहे हैं उन पर हम लोग स्पष्टीकरण और कार्रवाई कर रहे हैं।